हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या है, खास क्या सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में, आइए जानते हैं। देखिए यहां पर अगर मैं इमोजी लगाना चाहता हूं, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे इफ का फॉर्मूला मैंने लगाया, ये लगा दिया हमने इफ, और यहाँ एवरेज को सेलेक्ट किया। इफ दिस एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ओके कॉमा, यहां पर कॉमा देने के बाद करेंगे हम डबल इंटेड कॉमा ओपन और डबल इंटेड कॉमा क्लोज। यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमें एक इमोजी इंसर्ट करानी है, तो आपको कीबोर्ड से विंडोज के साथ सेमी कॉलन बटन प्रेस करना होगा। ये इमोजी आ गई, ठीक है, और इमोजी आ गई तो आप पास हो गए, बधाई हो। तो ये शाइन आपको देना है, और अगर पास नहीं है तो क्या करना है, कॉमा देना है, यहाँ पे डबल इंटेड कॉमा ओपन करना है, फिर यहाँ पे क्लोज करना है, और इसी के बीच में आपको आ जाना है, और फिर विंडोज के साथ सेमी कॉलन प्रेस कीजिए और फिर रोइए क्योंकि आप फेल हो गए, ठीक है। तो ये शाइन हमने दे दिया, और अब इसको ब्रैकेट को क्लोज करना है कुछ इस तरीके से, और अब एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे जो पास हुए हैं उनके सामने लाइक का बटन आएगा ये कुछ इस तरीके से, ओके, और जो फेल हो गए उनके सामने रोने वाला ये शाइन आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। अगर आपको ये इमोजी वाला बनाना हो तो आप इस वीडियो का सहारा लेकर के इमोजी वाला ये बना सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।